मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, इस मिसिंग वोटर्स ऐप का फाउंडर हूँ. नाउ हु इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड विद इफ NRC इज इम्प्लीमेंटेड. देखिए, ये जो फर्स्ट रो में है, ये सेंसस के टेबल्स हैं. सेंसस के टेबल के हिसाब से 44 करोड़ इंडियंस आर इलिटरेट्स, मतलब जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता. सो जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? सो 44 करोड़ इंडियंस विल बी इम्पैक्टेड इमीडिएटली. ऑल विल लूज सिटीजनशिप. मतलब जब NRC आएगा, कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसकी सिटीजनशिप चले जाएगी. इसमें हिंदूस हैं 35 करोड़, हिंदूस अदर देन SC and ST, मतलब OBC अपर क्लास जो है 21 करोड़ हैं. अगर उन लोगों को अभी तक पता नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें बताएं कि 21 करोड़ हिंदूस आर गोइंग टू लूज देयर सिटीजनशिप. दे हैव टू गो टू कोर्ट्स. 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद शायद उन्हें सिटीजनशिप मिल सकती है. SCs and STs अप्रॉक्सीमेटली 8.7 करोड़ शेड्यूल कास्ट एंड 5.3 करोड़ शेड्यूल ट्राइब्स विल लूज सिटीजनशिप. द मोमेंट दे लूज सिटीजनशिप, दे विल नॉट हैव एनी रिजर्वेशन. अब वो फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाएंगे, अप्लाई करेंगे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, एंड दे हैव टू प्रूव दैट दे हैव कम फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश. अगर प्रूव हो गया तो उन्हें वापस सिटीजनशिप मिलेगी और फिर उन्हें रिजर्वेशंस मिलेंगे. तब तक वो प्रूव नहीं करते, उन लोगों के तो रिजर्वेशंस चले जाएंगे. सो वी हैव टू कन्वे दिस मैसेज. 6 lakhs जेन्स और इलिटरेट्स, इवन दे आर गोइंग टू लूज सिटीजनशिप. वी हैव टू टॉक अबाउट दिस डेटा. वी हैव टू गिव देम द रेफरेंस ऑफ सेंसस टेबल्स. व्हाट्सएप में आप सेंसस टेबल का नाम लिंक दे दीजिए और बताइए कि दीज मेनी पीपल विल इमीडिएटली गेट इम्पैक्टेड, सो दैट दे नो अबाउट हाउ सीरियस दिस इश्यू इज. सो नाउ आई डायरेक्टली जंप इन टू हाउ वी कैन हेल्प. देखिए, ये ऐप है NRC ऐप दैट इज अवेलेबल इन प्ले स्टोर. सो वॉट इट डज, यू कैन क्रिएट योर फैमिली ट्रीज, एड पीपुल्स नेम. इट विल आस्क मी टू एंटर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ. इट विल आस्क मी टू एंटर द नेम ऑफ माई फादर इन हिज डॉक्यूमेंट एंड माई डॉक्यूमेंट. तो इस डॉक्यूमेंट्स के बुनियाद पे ये ऐप बता देगा कि कौन सिटीजन है और कौन सिटीजन नहीं है. वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड नॉट सिटीजन, वी आर सेइंग डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग. हाउ इज दिस ऐप कैलकुलेट्स? इट कैलकुलेट्स डिपेंडिंग अपॉन द सिटीजनशिप एक्ट 1955. इफ योर डेट ऑफ बर्थ इज बिफोर July 1987, तो ये ऐप पूछेगा आप दो चीज एंटर कीजिए, इज योर प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया, इज योर डेट ऑफ बर्थ बिफोर 1987. अगर आप दो भी यस हो गया तो ऐप कर देगा इंडियन सिटीजन. एंड वी आर नॉट आस्किंग योर आधार कार्ड, वी आर नॉट आस्किंग योर पैन कार्ड, वी आर नॉट आस्किंग योर वोटर आईडी, वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम यू. तो अगर लोग डर रहे हैं कि मैं जाके BJP वालों को, अमित शाह को डेटा दे दूंगा, परेशान मत होइए, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज आई डोंट हैव योर डेटा. हाँ, तो आपका मोबाइल फोन अगर कोई चुरा के अमित शाह को दे देगा तो आपकी जिम्मेदारी. बट आई एम नॉट सेविंग एनी डेटा इन माई सर्वर. All logic is calculated in your mobile phone itself. So this app, in 10 minutes, it will tell who has a document and who does not have a document. Madrasa ke molvi sahab mujhe pakad liye. Bole ki aapko main ghar ko le jaake daawat dena cha raha hu kyunki mere walid sahab 4 din se so nahi rahe the. Uske bacche ke document mein naam kya hai? Is ye nawase ke document mein naam kya hai? Itne pareshan the. Hum logon ne app install kiya, unhe ye app bataya to chehre pe unki khushi aayi. Aaj wo sukoon se dikh rahe hain. एक लड़की है हमारी बहन की बेटी, उसके डॉक्यूमेंट में वालिद का नाम गलत है, तो हम लोग वो दुरुस्त करवाएंगे. देखिए, पर्पस ऑफ ऐप वॉज नॉट टू स्टॉप प्रोटेस्ट. जैसे ही ये ऐप प्ले स्टोर में अप हो गया, लोग बवाल मचाने लगे कि प्रोटेस्ट को रोक देगा, बट दिस इज़ नॉट मेंट टू स्टॉप प्रोटेस्ट. प्रोटेस्ट अपनी जगह है, डॉक्यूमेंट्स नहीं देना अपनी जगह. डॉक्यूमेंट नहीं देना मेरी जिद है, मैं भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दूंगा. मैं ऑलरेडी डिटेंशन कैंप की लाइफ को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया हूँ. आप देखे होंगे कि वेट थोड़ा कम भी हुआ है मेरा. सो आई एम स्टार्टेड ईटिंग लेस. सो डॉक्यूमेंट्स नहीं देना मेरी जिद है, डॉक्यूमेंट्स बनाना मेरा हक है. नोबडी कैन स्टॉप मी टू मेक डॉक्यूमेंट्स. देखिए, 18 करोड़ मुसलमान है, जो पिछले स्लाइड में मैंने देखा सेंसस के 18 करोड़ मुस्लिम्स है. ऐप के जरिए कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है पहचानने के लिए मैक्सिमम टाइम, अगर कोई आदमी व्हाट्सएप भी यूज़ करना नहीं जानता तो 10 मिनट में उसे पता चल जाएगा कि क्या वो आदमी के पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है.
अगर आपको व्हाट्सअप या यूज़ करना आता है तो आप 2-3 मिनट में पहचान सकते हैं, पूरी फैमिली ट्री आपकी बना सकते हैं। मेरी पूरी फैमिली ट्री मैं सिर्फ 7 मिनट में बना दिया। तो टोटल कितने लोग हैं? 18 करोड़ मुसलमान हैं। 10 मिनट एक आदमी के लिए चाहे तो वी नीड 180 करोड़। मैं एक प्रोजेक्ट प्लान बना रहा हूँ, मतलब 3 करोड़ घंटे का इन्वेस्टमेंट चाहिए ये पता लगाने के लिए कि सारे मुसलमानों के पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है। अगर सारे मुसलमान अपनी ज़िंदगियों में से एक एक घंटा निकाल दें और उसमें से 10% भी निकाल दें, तो 1 महीने के अंदर हम लोग मुतमईन हो जाएंगे कि किसके पास डॉक्यूमेंट्स है किसके पास नहीं है। अब देखिए, लिटरेट्स तो अपने आप कुछ ना कुछ कार्रवाई करके बनवा लेंगे, लेट्स ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन इलिटरेट्स। 7 करोड़ मुसलमान हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, हमारी जिम्मेदारी है। अगर खुदा ना खास्ता आपका पड़ोसी डिटेंशन सेंटर चले जाएगा क्योंकि उसके वालिद की स्पेलिंग इसकी स्पेलिंग से मैच नहीं होती, मैं असम गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ के केसेस पे सिंपल स्पेलिंग मिस्टेक्स कैन लैंड यू इन डिटेंशन सेंटर, तो क़यामत के दिन वो आदमी आपको पूछेगा। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट हिज डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट। अब जितना भी प्रोटेस्ट कर लो, उसके डॉक्यूमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर वो डिटेंशन सेंटर चले जाएगा तो आप शायद वो डिटेंशन सेंटर में सो जाएगा लेकिन आप सो नहीं पाएंगे। एक गिल्ट आपको सताते रहेगा कि अगर मैं इसका डॉक्यूमेंट चेक करके इसकी मदद करता तो शायद आज उसे उतनी मुश्किल नहीं होती थी। तो 7 करोड़ × 10 मिनट्स इज 70 करोड़ मिनट्स, इट मीन्स 1.16 करोड़ मैनवर्स, इट मीन्स 14 लाख मैन डेज, 14 लाख दिन, 14 लाख ऐसे आदमी चाहिए जो अपनी ज़िंदगी का एक एक दिन दे, तब हम लोग पता कर सकते हैं कि इन 7 करोड़ लोगों में किसके पास डॉक्यूमेंट्स है किसके पास नहीं है। अगर नहीं है तो किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, वो सेकेंडरी प्रोसेस है। अब हमारे पास कितने घंटे हैं, हमारे पास कितने दिन हैं? देखिए, ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास 3 लाख दिन हैं अभी। ये पिछले 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ऐप बनाया, मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स ऐप, इसकी वेबसाइट भी है, अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे 155 मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स के नाम मिलेंगे। मैंने लोगों को कहा ऐप डाउनलोड कीजिए लेकिन एक कंडीशन है, आपका मोबाइल नंबर मुझे दीजिए। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर देते थे, तो उस तरह से मेरे पास लोगों के मोबाइल नंबर आ गए, दीज आर माई यूज़र्स। उसके बाद replytobc.com एक वेबसाइट में बनाया 2016 में, उसमें आरिस भाई की बहुत बड़ी मदद थी। 45,000 लोगों ने हमारी वेबसाइट के ज़रिए बीसी कमीशन को एक मेल भेजा, पूरे लोगों के मोबाइल नंबर्स मेरे पास हैं। जब लॉ कमीशन एक क्वेश्चनर पूछ रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में अप्लाई करना चाहिए नहीं चाहिए, और उन्होंने एक बड़ा डॉक्यूमेंट दिया था उनको मेल करने के लिए, तो मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम रखा था replytolc.com। इसमें मैंने लोगों को कहा कि यहाँ पे क्वेश्चंस है, यहाँ पे आंसर्स है, आप आके सिर्फ अपना नाम मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए, एक ईमेल लॉ कमीशन को चले जाएगा। उस तरह से लोगों ने उस वेबसाइट पे आके फॉर्म फिल किया, पूरे लोगों के मोबाइल नंबर्स मेरे पास हैं। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब सिग्नेचर्स कैंपेन करते थे, मैंने एक ऐप बना के दिया जो ज़बरदस्त वायरल हुआ, 32,000 पीपल डाउनलोडेड दैट ऐप, पूरे लोगों के मोबाइल नंबर्स मेरे पास हैं। जब टीवियों में ये लोग बता रहे थे ट्रिपल तलाक के टाइम पे कि मुसलमान मर्द के लिए दूसरा कोई काम ही नहीं है सिवाय शादी करना, ट्रिपल तलाक दे देना, तो इसको काउंटर करने के लिए कहा कि खालिद एक फैमिली सर्वे कीजिए पूरे इंडिया में। तो आई बिल्ड दैट वेबसाइट, वी डिड ए सर्वे इन इंडिया, मोर देन 29,000 पीपल पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे, और वो सर्वे से ये आउटकम निकला कि ट्रिपल तलाक केसेस इन इंडिया और लेस देन 0.3%, मतलब इंडिया में पूरे डिवोर्सेस हैं 2 लाख, तो उसके 0.3 मींस ट्रिपल तलाक केसेस इंडिया नॉट मोर देन 800। हमारी रिपोर्ट कपिल सिब्बल साहब ने कोर्ट में सबमिट किया ये कहने के लिए द प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट। आप इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, कहीं भी जाके आप ट्रिपल तलाक फैमिली सर्वे क्लिक कीजिए, यू विल सी दिस स्टैटिस्टिक्स। दिस अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प टू चेंज द नरेटिव। देन आई मेड एन ऐप, मुस्लिम वोटर्स ऐप। कर्नाटक में 18 लाख मुसलमान सिस्टम से गायब थे, we identified it by mining the electoral data and then we launched an app that was downloaded by 18,000 people. ye log gharon pe gaye, logon ke voter card banaye. next was a missing voters app jisko 1.5 lakh logon ne download kiya alhamdulillah. google pe ye app trend kiya 3 din tak. a app which is not facebook, which is not pubg, which is not whatsapp, made to help people to get the voter cards, alhamdulillah was trending on google with 1.5 lakh downloads. ये सब आपकी वजह से है। देखिए, आई एम ए फुल टाइम एम्प्लॉयर, आई हार्डली टेक आउट 2-3 आवर्स ऑफ माई टाइम एंड डू दिस थिंग्स ओनली बिकॉज आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी, ये आप एक दूसरों को भेजना शुरू किया,
पीपल स्टार्टेड डाउनलोडेड एन ऐप एंड इट हैड हेल्प मोर देन 1 लाख पीपल गेट वोटर कार्ड्स. हम हिंदू मुस्लिम सब लोगों को वोटर कार्ड दिलाते हैं. वी आर नॉट अमित शाह, आई डोंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिलीजियस. तो हम लोग सबकी मदद करते हैं. इफ यू आस्क मी व्हाट इज द बेस्ट थिंग आई डिड, 12 करोड़ लोगों के वोटर कार्ड सिस्टम से गायब थे, उसमें 4 करोड़ मुसलमान थे. 4 करोड़ मुसलमानों के वोटर कार्ड ये लोग सिस्टम से निकाल दिए. निकालने का बहुत ही आसान तरीका था. इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में एक छोटी सी गैप थी. आई कैन सिट इन द कंप्यूटर हियर, इफ आई कम टू नो दैट अबूबकर भाई कारवां में रहते हैं तो मैं उनका वोटर लिस्ट में नाम जाके सर्च कर लूँगा, पहचान लूँगा और यहाँ से मैं फॉर्म 8 फिल कर दूंगा कि अबूबकर भाई इज़ नॉट रिसाइडिंग, रिमूव हिज वोटर कार्ड. द इलेक्शन कमीशन वॉज नॉट इवन आस्किंग मी हु आई एम. तो ये लोग बॉट्स रख के IT टीम वो नाम वोटर लिस्ट से निकाल दे रहे थे. जब मैंने जाके ये इंटरव्यू अल जजीरा में दिया, इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड हुआ. आई टोल्ड देम व्हाई आर यू नॉट एटलीस्ट आस्किंग फॉर एन OTP. जो आदमी मुझसे मेरा वोट का हक निकाल रहा है, एटलीस्ट उन्हें ये तो पता चलना चाहिए कि किसने अप्लाई किया. आफ्टर द प्रेशर नाउ दे हैव एडेड एन OTP. अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ दे कॉन्ट प्ले टैक्टिक्स. और आज से मुसलमान वोटर का नॉर्मल तौर पर वो निकाल नहीं पाएंगे. दे आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू सपोर्ट यू एंड यू कैन स्टिल अचीव सक्सेस. देखिए, NDTV टुक माई इंटरव्यू, अरब न्यूज़ टुक माई इंटरव्यू, बूमबर्ग क्विंट में देर वॉज ए डिबेट बिटवीन मी एक्स इलेक्शन कमिश्नर. क्लियरली टोल्ड के 4 करोड़ मुसलमान के वोट गायब हैं. जिन जिन घरों से गायब है ये डेटा मेरे पास है, वो ऐप में भी अवेलेबल है. कारवां, NDTV, अरफा खानम शो. सो एज ऑफ नाउ 4,500 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 3,032 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारी रीच है. सो यूनाइट इंडिया ऐप, रिसेंटली रिजेक्ट CAB.com. तो इफ यू कंबाइन ऑल दिस वर्क दैट आई एम डूइंग फ्रॉम द पास्ट 3 ईयर्स, आई हैव 3,29,000 वॉलंटियर्स, जिनमें से शायद आप लोग भी होंगे. इन लोगों को जजाकल्ला, इन लोगों को विल कंटिन्यू सेंड ए मैसेज कि भाई अपनी ज़िंदगी का एक दिन दे दीजिए. बस एक दिन. करना क्या है एक दिन में? आपके घर के बाजू जितने कर रहे हैं उसका डेटा मैं आपको दे दूंगा. यू हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर हाउस होल्ड और उनका फैमिली ट्री बनाना है. अगर आप उनका फैमिली ट्री बना देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें सिटीजन कौन है, सिटीजन कौन नहीं है. जो नहीं है उनको किस तरह से काम करना है, दैट वी आर गोइंग टू डिसाइड. असम में जो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोगों ने पूरा रख दिया. अगर इफ अमित शाह सेज आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट, मुझे 1 सेकेंड लगेगा वो डॉक्यूमेंट ऐप से निकालने के लिए. एज ऑफ नाउ एवरी डॉक्यूमेंट दैट वॉज एक्सेप्टेड इन असम, वी आर थिंकिंग दैट दे विल एक्सेप्ट इट. इफ नॉट विल फाइट फॉर इट. देखिए, अमित शाह का गेम स्ट्रैटेजी है, वो सामने वालों को सोचने का टाइम नहीं देता. सो वी हैव टू अडॉप्ट सेम स्ट्रैटेजी. मैं इंतजार कर लेते बैठूंगा कि लेते अमित शाह विल से ऑल द डॉक्यूमेंट्स, देन आई स्टार्ट माई वर्क. आई कॉन्ट गेट दोज 14 लाख मैंडेट्स. मैं कहूँगा मैं पूरे एक्सेप्ट करूंगा, मैं आपके लिए जंग लड़ूंगा. वी ऑल विल प्रोटेस्ट एंड मेक हिम बेंड. पहले क्या कहता था अमित शाह? आई विल नॉट एक्सेप्ट वोटर कार्ड, आई विल नॉट एक्सेप्ट पासपोर्ट. आज कहेगा वो? आज नहीं कहेगा. अगर कहेगा तो फिर प्रोटेस्ट करेंगे. सो वी विल मेक हिम बेंड एंड मेक हिम एक्सेप्ट एवरी डॉक्यूमेंट. सो दिस 3 लाख वॉलंटियर्स है और मुझे अभी 11 लाख लोगों की ज़रूरत है. एंड दिस 3 लाख वॉलंटियर्स आर फ्रॉम हिंदूज, फ्रॉम मुस्लिम्स. दिस कैंपेन इज बाई सिस्टर्स. हम लोग तो गेम में पीछे रह गए, वी आर साइड एक्टर्स. कैंपेन को शुरू किया, कैंपेन में जान डाली जामिया गर्ल्स. शुक्र अदा करता हूँ बहनों का जिन्होंने कैंपेन में जान डाली है और इंशाल्लाह वही लेके चलेंगे, उन्हीं पर उम्मीद है. द प्रोटेस्ट शुड गो ऑन, द प्रोटेस्ट शुड कंटिन्यू. वॉट इज माई सेकेंड स्ट्रैटेजी? माई सेकेंड स्ट्रैटेजी, मैंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम है MasjidData.com. उसमें 1,50,000 मस्जिदों के फिजिकल एड्रेसेस हैं. तो उनमें से 20,000 मस्जिदों के मोबाइल नंबर्स मेरे पास हैं. द गोल इज वी ऑल हैव टू वर्क टूगेदर और 1 साल में पूरे 1.5 लाख मस्जिदों के मोबाइल नंबर्स हमारे पास आना चाहिए. द मोमेंट वी हैव दोज मोबाइल नंबर्स, वी कैन सेंड ए मैसेज टू देम ऑन ए सिंगल क्लिक. Point 1. Point 2, अभी मेरे पास मैंने कहा कि आई एम कनेक्टेड विद 3 लाख वॉलेंटियर्स विद दीज ऐप्स. कम अप विद न्यू आइडियाज. अगर आप कहेंगे कि लेट अस हैव एन ऐप ऑन क्रिएटिव राइटिंग्स, हम लोग एक ऐप बना देंगे, फ्री में लोगों को डाउनलोड कर देंगे, 2,000-3,000 लोग डाउनलोड करेंगे. बट वॉट विल गेट? विल गेट 2,000-3,000 वॉलेंटियर्स. सो वी हैव टू मेक एन नंबर ऑफ ऐप्स एंड गेट द वॉलेंटियर्स हु विल कमिट टू गिव 1 डे ऑफ देयर लाइफ. और देखिए, ये काम में इतना मजा है. वाई आई एम डूइंग दिस? द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, द मोमेंट यू स्टार्ट हेल्पिंग पीपल, और जो फीलिंग मिलती है. अगर मैंने किसी का वोटर कार्ड अप्लाई कर दिया, आई डोंट नो देम, बट उनका वोटर कार्ड मिल गया एंड ही सेंड्स अ थैंक्स मैसेज,
तो आपको जो खुशी मिलती है किसी को मदद करने में, ऐसे आदमी के जो आपको कभी भी मदद नहीं कर सकता, दैट यू कॉन्ट एक्चुअली एक्सप्रेस दिस इन द वर्ड्स. आप जाके मेरे वीडियोस देखें मिसिंग वोटर्स ऐप में. एक बड़ी भी थे जिनकी उम्र तकरीबन 60 ईयर्स के करीब थी, उन्हें ऐप डाउनलोड भी पता नहीं. शी हैड हेल्प 300 पीपल गेट वोटर कार्ड्स. चार लोगों के वोटर कार्ड फिल कर दिए, लोगों मशहूर हो गए, उनके घर पे लाइन लग गई, उन्हें मज़ा मिलना लगा और वो ऐड करना शुरू कर दिए. सो वी हैव टू थिंक वॉट इम्पैक्ट कैन आई ब्रिंग टू द सोसाइटी. व्हाट्सएप पे 15 मिनट स्पेंड कर रहे हैं, वेरी गुड, स्पेंड 15 मोर मिनट्स ऑन ग्राउंड. स्पेंड 15 मिनट्स ऑन ग्राउंड एंड स्टार्ट हेल्पिंग पीपल, यू विल एक्चुअली स्टार्ट एंजॉयिंग इट एंड द इम्पैक्ट. और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर NRC खुदा ना खास्ता आ भी गए आपका साथ रहा, तो मैं हर मुसलमान के डॉक्यूमेंट्स बनाऊंगा और आई विल बी द लास्ट पर्सन टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स. देखिए, डू नॉट क्लब डॉक्यूमेंट्स बनाना और डॉक्यूमेंट्स दिखाना. एंड वी ऑल आर गोइंग टू यूज दैट टू हेल्प ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड नॉट ओनली मुस्लिम्स ऑल. वाई शुड अ दलित लूज रिजर्वेशन? देखिए, स्मिता चौधरी मुंबई की एक वॉलेंटियर है जिन्होंने 1600 लोगों के वोटर कार्ड बनाए जिसमें 80% मुसलमान है. डोंट वरी दलित ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका भी डॉक्यूमेंट. सो दैट्स हाउ वी विल एक्चुअली गेन देयर रिस्पेक्ट. इट्स अवेलेबल इन प्ले स्टोर, जल्दी डाउनलोड कीजिए, शायद बंद हो जाए 2-3 दिन में, पता नहीं. No, not at iPhone. It's only available in Play Store as of now. We will, inshallah. सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा 2004 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनके लिए. बिकॉज 2004 के बाद जो बच्चे हैं उनके लिए दे हैव टू प्रूव बोथ फादर एंड मदर आर सिटीजन ऑफ इंडिया. फादर इज सिटीजन ऑफ इंडिया प्रूफ करने के लिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स पे फादर नेम है. अनफॉर्चुनेटली मदर नेम सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट में है. एक है बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा है राशन कार्ड, तीसरा है पासपोर्ट. पासपोर्ट सिर्फ 3% लोगों के पास है. राशन कार्ड लो, ये लोगों ने देना बंद कर दिया. यू कैन डाउनलोड एन ऐप, इट्स प्रेटी इजी. इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आई हैव नॉट गिवन इट. वहां पे एक 18 मिनट का एक डेमो वीडियो है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा. अगर आप इसलिए रोडों पे हैं क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो गलत है. मैं इसलिए रोड पे हूं तो 8 करोड़ मुसलमानों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और मैं उनके लिए लड़ता हूँ. और अगर कोई कहता है कि ऐप के वजह से प्रोटेस्ट रुक रहे हैं, तो उन सारे लोग जो आज रोडों पे है, क्या मारिया सिस्टर के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्या जामिया सिस्टर्स के पास डॉक्यूमेंट, वो तो लॉक कर रहे हैं, उनके पास है डॉक्यूमेंट्स. इसके लिए लापरवाही क्यों किया गया 8 करोड़ लोगों के लिए? तो अगर आप कह रहे हैं कि ऐप के वजह से प्रोटेस्ट रुक जाएगा, तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप उनको जलील कर रहे हैं. लेकिन प्रोटेस्ट के बारे में एक बात बता दूं, जिन्होंने साइन किया है ना सर, उनको दम करना शुरू कीजिए. mynetra.in को वेबसाइट पर जाइए, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस मिल जाएंगे. अल्लाह ताला ने आप लोगों को जबरदस्त ड्राफ्टिंग स्किल्स दिए, मुझे नहीं है अनफॉर्चुनेटली. मेल लिखिए, डिप्लोमेटिक इतना गाली मत दीजिए, उन्हें लिखिए, उन्हें कॉल कीजिए. अगर जिसने आपके पास आया था वोट मांगने के लिए, उसको कॉल करके पूछिए कि व्हेन इज KCR गोइंग टू स्टॉप NPR, व्हेन इज जगन गोइंग टू स्टॉप NPR. अगर ये लोग NPR स्टॉप कर देंगे तो कम्युनिटी के पास टाइम मिल जाएगा, तब तक हम लोग डॉक्यूमेंट रेडी कर लेंगे. सो वी हैव टू पुट मोर एंड मोर प्रेशर सो दैट द पीपल वुड स्टार्ट. पुट योर प्रेशर ऑन लॉ मेकर्स, पुट योर प्रेशर ऑन द पीपल हु आर नॉट एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द कैंपेन. आप कैंपेन में जा रहे हैं तो अब तक आपको शायद पसंद नहीं था खुद को प्रमोट करना, बट टाइम आ गया, कीजिए. बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योरसेल्फ, यू आर डूइंग इट फॉर कॉज. देखिए, आपको NRC के बारे में मालूम है तो वीडियो बना के अपने खानदान में भेज देते, फायदा मुस्तफा साहब का वीडियो आपके खानदान वाले नहीं देखेंगे. अगर मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा तो मेरे खानदान वाले फूफू खाला जिनको समझ में भी नहीं आता, देखते हैं कि देखिए बच्चा टीवी में कैसा दिख रहा. सो दैट विल हैव एन इंपैक्ट. ये लोग मीडिया को पूरी तरह से खरीद लेंगे. वी हैव टू हैव आवर ओन मीडिया, एवरीबॉडी शुड बी अ रिपोर्टर. हमारे पास चाहे चाइना फोन हो, दैट शुड बी योर कैमरा एंड यू शुड स्टार्ट रिकॉर्डिंग द वीडियो टू मेक इट वायरल. इंशाल्लाह वी विल गिव आवर बेस्ट टू इट एंड वी विल फाइट इट.